हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। एक होर वीडियो दे विच अज आपां करन जा रहे हैं फ्रैक्शन दा पार्ट नंबर 2। तो लेक्चर नंबर अपना 4 आ गया मैथ दा। तां लास्ट लेक्चर बहुत वधिया लोग पसंद कर रहे हैं, सारे बच्चों नूं समझ भी आ रही है। तो प्लीज़ होमवर्क कर लिया करो जिहड़ा भी मैं दिंदा तुहानूं। तुहानूं भी पता है कि PDF तो जरूर मैं बना के भेजदा 20 MCQ दी, ठीक है। तां डेसीमल दियां भी भेजियां हुई हैं, फ्रैक्शन दियां भी भेजूंगा मैं। जे मान लो अज पूरा हुंदा फ्रैक्शन वाला टॉपिक तां अज भेज दूंगा, जे थर्ड तक जाता है बाय चांस तो फिर नेक्स्ट जो खत्म हो गया फ्रैक्शन उदो भेज दूंगा। तो शुरू कर दें आप। कल मैं बेसिक बेसिक क्लियर कराता सी फ्रैक्शन का सारा, तो अज उस बेस से किस तरह के सम बन सकते हैं आप करांगे अज। मैं पहला थोड़ा सब तो पहला ना मैं क्वेश्चन पुट करूंगा, तुम आंसर करने हैं नाल दी नाल, फिर मैं थोड़ा सोल्यूशन भी करता रहूंगा उन्होंने। तो शुरू कर दें बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट वाल चलते हैं, देखो क्वेश्चन लिखे हुए है कि उथे क्वेश्चन आ गया अपने को नंबर 1, ठीक है। तो उत्थे ऑप्शनां दित्तियां होणगियां अपने कोल पेपर दे विच कि एक दिन नूं एक हफ्ते दी भिन्न विच बदलना आपां, ठीक है। सारे बच्चों नूं जिहड़ियां दा पता है वो आंसर कर दे। मैं ऑप्शनां भी दिंदा नाल। ऑप्शन नंबर ए 1/1, ऑप्शन नंबर बी 7/1, ऑप्शन नंबर सी 1/7, ऑप्शन नंबर डी 7/30। इन्हें चारों विचों दसना है कि आंसर आऊगा अपना। जिन्हें भी जने वीडियो बाद चो देख रहे हो, बाद चो जो वीडियो के थले कमेंट कर दियो, तो जे हुने देख रहे हो प्रीमियर के विच तां हुने ही कमेंट करके दसो कि इन्हें चारों विचों आंसर की आऊगा। अगले का भी मैं दस देना थोनू किहड़ियां-किहड़ियां ऑप्शनां बनणगियां अपने कोले। 40 सैकेंड नूं 1 मिनट की भिन्न विच बदलना, ठीक है। 40 सैकेंड नूं की करना है, 1 मिनट की भिन्न विच बदलना है। तो ऑप्शन अपने कोल की है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान नाल देख लियो इतने कंफ्यूज जरूर होंगे तुसीं। ऑप्शन नंबर ए अपने कोल की है 40, ऑप्शन नंबर बी अपने कोल की है 30/60, ऑप्शन नंबर सी अपने कोल की है, ध्यान नाल देख लियो, ऑप्शन नंबर सी है अपने कोल 2/3, ऑप्शन नंबर डी है 1/4। अगले दो तुसीं ऑटोमेटिक करोगे जदों मैं थोनों पहला समझाता। हुण देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने कोल की सी कि एक दिन दिता तो उन्होंने किन्ने ना करना है, एक हफ्ते नाल। तो हुण इत्थे सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं कल भी दस्या कि जदों भी थोनू कह दे फ्रैक्शन भिन्न बनानी है, ठीक है, जदों भी थोनू कह दे भिन्न बनानी है तो तुसी सब तो पहला नीचे की लिखना है, नीचे आऊगा अपना टोटल नंबर 99%, हमेशा ही टोटल नंबर नीचे आऊगा, ठीक है। टोटल नंबर जो होगा अपना वो नीचे आऊगा, या ये कह लो जो वे वाला नंबर होगा वो अपना नीचे आऊगा 99%। 1% क्यों छड़िया, मैं वो अगले जो टॉपिक ते जाऊंगा उदो दसूंगा। हुण देखो एक दिन दिता एक हफ्ता, आपां की करना एक दिन नूं करना है। जे एक दिन नूं करना है तो आपां पहला हफ्ते जिहड़े दिते है उहनूं भी कदे च कन्वर्ट करांगे दिनां दे विच। एक हफ्ते दे विच दिन किन्ने हुंदे है 7। तो हुण टोटल अपने कोल की है, एक दिन दिता है तो 7 दिनां नाल करना है। हुण सम बन गया अपने कोल, टोटल कितने आऊगा नीचे, तो जेड़ा आपां पता करना वो कितने आऊगा 1। तो अपना राइट ऑप्शन किया गया ऑप्शन नंबर सी 1/7। पहले तो अपने कोल की आ गया 1/7। हुण सारे बच्चे जमा सही जा रहे होने हैं कि इत्थे 40 सैकेंड दिते है, ठीक है। इतने 40 अपने कोल की दिते है सैकेंड दिते है, तो 1 मिनट के विच आपां हुण सैकेंड कन्वर्ट कर लैंदे हां। 1 मिनट च किन्ने हुंदे है 60। तुसीं अपनी जगह सही हो। आपां 60 की कर लिया नीचे लिख लिया, ते 40 की कर लिया उपर लिख लिया। हुण तुसीं कहोगे कि सर इन्हां विचों तां ऑप्शनां ही है नहीं गियां, या तुसीं कहोगे कि 40 दे नीचे 60 लाना भुल गए। नहीं, तां अपने कोल इत्थे जिहड़ा कह लो मैं तुहानूं एग्जामिनर वांगू थोड़ा जिहा कन्फ्यूज करता कि सिंपल सिंपल आंसर देने की बजाय उन्होंने करता पर सरल रूप दे विच। किवें, 0 ना 0 कटोगी, 2 दे टेबल ते 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3 है क्या आ रहा। ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा राइट हो गया। हुण पता लगन लग गई ना कि फ्रैक्शन नूं लैके किवें दे, भिन्न नूं लैके किवें दे क्वेश्चन पेपर दे विच बन के आ सकते हैं, पता लग गया ना सारिआं नूं। हुण तीसरा चौथा तुसीं 1 सैकेंड च कर दोगे, 15 घंटिआं नूं करना है, तां 1 दिन दे नाल 15/24, 1 दिन च किन्ने घंटे होंगे है 24, ठीक है, 15/24 आ गया। या फिर जे दूजा आंसर दिता हो एग्जामिनर ने
वो पैंती है 15 बन जाएगा उत्ते, ठीक है। पैंती है 15 अठतीया 24, 5/8। और नेक्स्ट भी उवें है, 2 महीनों नू 1 साल नाल। हुणे कमेंट करके दसो कि ना होगा। थोड़े को सिर्फ 10 सैकेंड है, जल्दी जल्दी जिन्हें भी जने देखी जाने हुणे ही कमेंट करके देख जेड़ा दसो इन्हें आंसर कि ना होगा। दोनों आंसर दसो, जे जल्दी जल्दी तुम सोल्व कर सकते हो तो दोनों आंसर दसो कि बन सकते हैं। तो हूँ लिख के दिखाना थोड़ा मैं, उपर की है 2 महीने, नीचे की है 1 साल। 1 साल च किन्ने महीने होंगे है, 12, 2/12 जा, ठीक है, 1/6। देखो किन्ना वधिया क्वेश्चन सी। जे हुण मैं जमा शुरू च पूछा सी तो थोड़ा औखा लग्या, हुण अगले दो तुसीं मेहनत च आंसर करते हो। मैं सिर्फ एक ही गल वारी वारी कहना, कंसैप्ट क्लीयर कर लो, क्वेश्चन का जिन्ने मर्जी कर लियो मेरे तो, बस कंसैप्ट थोड़े क्लीयर होने चाहिए। पेपर च जे तुक्का भी लाओ तो थोड़ा कंसैप्ट का पता होवे कि इहनूं किवें सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हुण चलते आपां नैक्सट, समय लग गई ना सारे नूं, नहीं हुण नैक्सट चलते हैं। नैक्सट एक क्वेश्चन हैगा थोड़े वास्ते, ये मैं कल वाली वीडियो दे विच सिंपल फॉर्म दे विच कराया सी, ठीक है। तो हुण जिवें थोड़ा पेपर च आ सकता है कि जिहड़ा थ्यूरी बना के उवें दा क्वेश्चन पाया होया। हुण देखो इहदे च पुछा की है, अरुण ने 1 घंटे का, इहदे विच 2 क्वेश्चन बनणगे, दोवें ध्यान नाल समझ लियो। अरुण ने 1 घंटे का 3/4 हिस्सा जिहड़ा की है एक्सरसाइज की, अभ्यास किया, ठीक है। कसरत तुसीं हुण कहोगे एक्सरसाइज नूं, अभ्यास भी अपनी एक्सरसाइज ही होगी। जसप्रीत ने की किया, 1 घंटे का 3/10 हिस्सा अभ्यास किया। इतने सीधा सीधा ही पूछा किसने वध समा अभ्यास किया, सिर्फ सिंपल फंडा लाना है, कोई ज्यादा साइंस नहीं है। सिंपल फंडा है कि इतने पूछा गया वध ते जा पूछा जाए घट, ते नाल ये भी हो सकता है कि जा होवे बराबर, बराबर लिखा नहीं होंगे पर कई बार आंसर आ जाता है। हुण तुहानू ये पता लग गया आपां की पता करना है, घट वध जा बराबर, तो दिता की होया आपां नूं पिन दिती हुई है, ठीक है। जमा सौखा, हुण देखो इहदे विच की आऊगा, 3/4 दिता कि ना अरुण का, 3/10 कि दिता है जसप्रीत का। आपां सिंपल दसना की है किन्ने वध किया, ठीक है। जिहड़ा कल मैं थोड़ा मैथड कराया सी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, वह ला दो। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 × 30, 4 × 12, किन्ने वध किया, 30 वध हो गया। 30 किनू करके आया अपने को, 3/4 नू, 3/4 किन्ना, 3/4 है गया अरुण का। हुण क्लीयर हो गया कि 3/4 किन्ना है गया अरुण का है गया। हुण इत्थे एक होर क्वेश्चन बनता है, इत्थे अपने को 1 घंटा भी दिता नाल, ते इत्थे जे मिनट पूछे जान किन्ने ज्यादा मिनट कसरत की, ठीक है। जे मिनट पूछे जान कि किन्ने ज्यादा मिनट कसरत की करांगे, हुण अपने को घंटे च मिनट किन्ने होंगे, 60, 3/4 × 60 किन्ना गया, 1 चौका 4, 5 चौका 20, 15 × 45 मिनट। तो अपने को अरुण ने किन्ने मिनट कसरत की, 45 मिनट। तो जसप्रीत ने किन्ना किया, 3/10 × 60 किन्ना आ गया अपने को, 18 मिनट। सही कर रहे ना मैं, जो कोई लगे भी मिसटेक है तो क्लैरिफाई कर लगे, वैसे आई थिंक नहीं होनी कोई भी मिसटेक। हुण पता लग गया ना कि किवें दे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, उत्थे ही नहीं कन्फ्यूज होना कि असं किमें क्या किन्ने मिनट किन्ने ज्यादा किए। सिर्फ उत्थे एक चीज देखनी है कि पूछा की गया, वध पूछा घट पूछा, आ साइन याद रख लियो बस, इन्हों का पता करना, होर कोई मंत्र नहीं पढ़ने। यहो जे मैं थोड़ा जो तुम करने हैं, ठीक है, जो इंट्रस्टिड है तो मैं PDF के यहोजे क्वेश्चन बना के भेज दूंगा, ता जो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए नाल नाल। बस कंसैप्ट दिमाग च रखने, जो कुछ ना पता लगे PDF के किसी तरह का क्वेश्चन नहीं पता लगे मैं क्लीयर करा दूंगा, कोई इशू नहीं। हुण चलिए नैक्सट, दो कंसैप्ट कर लेना, देखो किन्ने इंटरेस्टिंग कंसैप्ट है। हुण आ गया अपने को, एक हुंदा उचित ते एक हुंदा अनउचित। हुण इंग्लिश वाले कहणगे सर इन्हां नूं की कहिंदे इंग्लिश, एक हुंदा प्रोपर एक हुंदा इमप्रोपर, इमप्रोपर ठीक है, उचित ते अनुचित तीन। हुण पहला मैं पूछूंगा क्वेश्चन, क्योंकि जे मैं समझाता तो तुम मेरे से कहोगे सर ये तो सौखा ही सानू आंदा ही सी। पहला मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि उत्थे अपने कोल की है, क्वेश्चन देता एक पेपर दे विच कि हेठ लिखियां विचों, हेठ लिखियां विचों उचित भिन्न पता करो, नहीं हेठ लिखियां विचों उचित भिन्न केड़ी नहीं है,
नहीं है, ठीक है, नहीं क्यों पाया है? पानू में भी पा सकते हैं कि उचित पन केड़ी है, हमेशा एक जेड़ा नई वर्ड है ना वो हमेशा ही क्वेश्चन गलत कराना है। इस चीज का ध्यान रखियो, पहले थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्वेश्चन ध्यान ना पड़े हो कि उन्हें विच नहीं लिखा है या पूछा कि है, ठीक है। हुन अपने को ऑप्शन दी है, ऑप्शन हमें आंसर करनी है। 5/6, 2/3, 8/4, 10/20। हुन इन्दे विचों आंसर करो कि केड़ी उचित पेन नहीं हैगी, ठीक है, केड़ी पेन है जी उचित नहीं हैगी। हुन जिन्ने भी जने देखे ने सारे आंसर करो, जे बाद विच वीडियो देखे ने तो प्लीज कमेंट करके आंसर करो कि ना आंसर थोनू आंदा है या नहीं। फिर उस बाद मैं एक सिंपल ते निक्की जी चीज दसूंगा, उन्दे नाल कदे भी थोड़ा उचित ते अनुचित कदे भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम समझ लो इन्हों, पहला आई थिंक आंसर करता होना सारे ने, तो अपना राइट ऑप्शन इन्हें विच की आऊगा, राइट ऑप्शन आऊगा अपने को ऑप्शन नंबर सी, 8/4 है जड़ी वो अपने को की है उचित पेन नहीं हैगी। हुन क्यों? सिर्फ एक क्यों का जवाब थोनू अनुचित ते उचित सारा टॉपिक क्लियर करा दूंगा। हम देखो की आऊगा अपने को, जदों पूछ लैन उचित ते जदों पूछ लैन अनुचित, प्रोपर ते इमप्रोपर, ठीक है। हम उचित दो वाली होंगे जिंदे विच हर है जेड़ा वो अंश तो वड्डा होंगे बस, या जमा ही पंजाबी कह लो कि नीचे वाली रकम वड्डी होंगी है उपर वाली नालों, ते जेड़ा अनुचित होंगे उन्दे विच की है उपर वाली रकम वड्डी होंगी है नीचे वाली नालों, बस आ अनुचित उचित है। हुना क्वेश्चन दसो की औखा से, जेड़े बच्चों ने गलत किया दसो की औखा से। आप सीधा सीधा ही पूछा कि हेठां दित्तियां विचों अनुचित भिन्न पता करो, अनुचित कि होंगी जो नीचे वाला छोटा हो, 5/6 नीचे वाला छोटा सी नहीं, इन्हें नीचे वाला छोटा है नहीं, इन्हें नीचे वाला छोटा है नहीं, इन्हें नीचे वाला छोटा, अपना राइट ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी 8/4। कंसेप्ट क्लियर होने लग गए ना, उचित ते अनुचित भी क्लियर हो गया। हम जो मैं थोड़ा पूछूंगा कि हेठ लिखियां विचों दसो केड़ा अपने कोल की है उचित है, ऑप्शन आ गया 5/4, 11/3, 20/40, 5/2। हुण की लाओगे? हुण मिंट चला दोगे उचित केड़ी है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उन्हें नीचे वाला हार है जेड़ा वो की है उपर वाले नालों वड्डा। हुण क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की अपने कोले मिश्रित पेन, मिश्रित पेन, ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश कह देना मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हुण इंदा क्वेश्चन किवें बन सकता, ठीक है, इंदा क्वेश्चन किवें बन सकता अपने कोले। हुण सीधा सीधा इंदा क्वेश्चन किवें बनूगा कि हेठ दित्तियां विचों थोनू मैं गरंटी कर सकता है कितों भी कोई मर्जी बुक चक लो एहो जे क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं मिलने वाले थोनू, जिवें मैं थोनू हुणे बना के दे रहा। हेठ दित्तियां विचों उचित सॉरी अनुचित लिखो, अनुचित मिश्रित पिन पता करो, मिश्रित पिन पता करो, ठीक है। हुण ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दियो इधर कि ऑप्शन नंबर ए की है अपने को, मैंने ऑप्शन भी हमने बनाने, मैंने मेरे को कहना लिखी हुई है 2/3/5। हुण ये सारे नु की कहंदे आ, इनू कहंदे मिश्रित पिन, मिश्रित का मतलब होंदा है मतलब कोई चीज मिक्स की होनी, ठीक है, मिक्स की हुई है, कोई अगे लग्या होया कोई उपर लग्या होया कोई नीचे लग्या, इन्ना याद रख लो कि मिक्स इनू कहंदे मिक्स फ्रैक्शन। कई बार जो क्वेश्चन भी पूछ लैंदा कि हेठ लिखे विचों मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित पिन पता करो, जदों इहो जी कोई स्टेटमेंट आ जाए वो होंदी अपने कोले मिश्रित पिन। चलो पर आपां पता की करनी है अनुचित मिश्रित पिन, अनुचित भी जुड़ गया नाल, दो कंसैप्ट एक क्वेश्चन च जुड़ी जांदे आ। चलो हुण आपां करदे हां ऑप्शन नंबर बी, पहला की अपने कोले दो सही, जिन्होंने आप पंजाबी च कहते दो सही 3/5, 2/3/5, ठीक है, 2×3/5 भी कह सकते हैं। इन्हों सोल्व किवें करना है वह भी मैं दस दिना है, कि मिश्रित भिन्न आप जो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिखना है वह भी किवें लिखना है, सारिया चीजा दसूंगा, सिर्फ एक मिनट दो। चलो ऑप्शन नंबर ए की है अपने को, आई थिंक पीडीएफ बंद होगी, सिर्फ एक सैकेंड होगा।
कोई गल नहीं, तो शुरू कर लेने आप, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नॉट। लो सिर्फ 1 मिनट बस, बस ठीक है। हम देखो आप अगली क्वेश्चन सी अपने को हेठ लिखे बच्चों जेडी अपने को की है मिश्रित में ना पा अनुचित, अनुचित मिश्रित पेन पता करनी है ना। ऑप्शन अपने को ए की सी की 2, 3/5 ठीक है। ऑप्शन नंबर की है 1, मान के चलो 1 उस वाले लिख देने हैं 4/10। ते नेक्स्ट की आ गया अपने को ऑप्शन नंबर सी, उन्हें सारे ने आंसर करना, मैं तुम 10 सेकंड दूंगा कि इन राइट आंसर की है, 1 लिखा है। ऑप्शन नंबर सी अपने को लगा 4, 2/5 ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपने को किया गया 4, 6/11। हम देखो एक चीज का ध्यान रखियो, थोनू सिर्फ कंफ्यूज करने से क्वेश्चन बनाया है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो, जदों भी थोनू मिश्रित भिन्न कह देना ना, जदों भी मिश्रित भिन्न कह दे, 99% चांस होंगी है कि वह हमेशा की होंगी है अनुचित होंगी है। हम तुम कहोगे सर चार ऑप्शन क्यों पाई है, ये थोनू सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना से पाई है, फिर चारों के चारों सोल्व करा उन्हें। पहला की है 2, 3/5, जदों इन सोल्व करना है ना उदो जी आ वाली रकम है इनू करना है 5 × 2 + 3, नीचे की अपने को 5। हम दूसरी की सी 1, 4/10, इनू की कहना 10 × 1 + 4, नीचे सेम रहूगा, नीचे हमेशा ही सेम रहूगा, 4 2/5, 4 × 5 + 2/5। उन्हें थोड़े सामने प्रूफ करके दिखा रहे हैं मैं कि जदों भी कोई मिश्रित भिन्न आऊगी वो हमेशा अनुचित ही होगी ठीक है। 99% चांस मानो, जो 1% है वो भी थोड़ा डाउट क्लियर कर दूंगा, जे कदे बाय चांस थोड़ा एडा वैसे औखा पूछ देंगे। 11 × 4 + 6/11, हूँ इन सोल्व करो, 10, 10 + 3 = 13, नीचे की सी 5, इधर की है 10 + 4 = 14/10, 20 + 2 = 22/5, 44 + 6 = 50/11। हम चारे आंसर देखो, नीचे वाला छोटा ना, मतलब एक ही है चारों दे चारों की है अनुचित है ठीक है, उन्हें चारों ही अनुचित मिश्रित भिन्न अपने को। हम दो चीजों के क्लीयर हो गया कि मिश्रित भिन्न है जी, कई बार जो पैडागोजी च पूछा जाए, मैथ की पैडागोजी भी ये पूछा जा सकता है, वैसे तो बच्चों बारे पूछा जाता, पर जे बाय चांस थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन के आ जाए कि हमेशा जी मिश्रित भिन्न होंगी है, उसे पूरी लाइन लिखी आ जाओ, हमेशा मिश्रित भिन्न होंगी है, नीचे लिखा जाऊगा हर दे बराबर, उदू नीचे अंश दे बराबर, अनुचित या उचित, तुझे ऑप्शन की टिक करोगे अनुचित। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गल कर रहे हैं कि जी अनुचित होंगी है, जे थोड़ा उचित वाली भी करनी है मैं बना के दे दूंगा। चलो नेक्स्ट चलते अपन, लो नेक्स्ट वाला टॉपिक की है, हम इन्हें दो पता लग गए ना कि मिश्रित भिन्न सोल्व किमें करना है, मिश्रित भिन्न कहें किनू है, तो ये जी की है मोस्ट जी की है हमेशा मान के चलो अनुचित होंगी है। हम चलते हैं अगे, हम ये कंसैप्ट है ना जो थोड़ा जहा समझ वाला है, थोड़ा जहा टफ भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी इन्हें बन के जरूर आऊगा, कल वैसे मैं कराया होया पर इनका क्वेश्चन देखो किमें बन के आता जो पेपर च आऊगा। 2/3 ध्यान न देख लियो, जो मैं सोल्व करूंगा तुम कहो सर ये तो सौखा सी आंदा सी सानू, 2/3 दी तुल, 1 सेकेंड, 2/3 दी तुल भिन्न लिखो, तुल भिन्न लिखो जिसका अंश, जिसका अंश जिड़े बच्चे जमा ही नहीं समझ आता ना कि मैथ दे चल की रहा, वो इन्हें वास्ते वीडियो बहुत हेल्पफुल है, जिन्होंने आता उन्होंने तो उदू भी ज्यादा, क्योंकि मैं नाल नाल प्रैक्टिस भी करवाई कराई जाना, जिन्होंने जमा ही नहीं कुछ सी ना कि सानू जमा ही नहीं आता कोई पेड क्लास लेने आते जिन्होंने पता लगता, उन्हें वास्ते बहुत हेल्पफुल है। 16 हो गए, हम मैं निकी निकी चीज दस रहा वेखो बच्चों को जमा कि इन सोल्व किमें करना है, किमें अपने क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है। इन ऑप्शन नहीं दूंगा, इनू हमने वीडियो में पॉज करके, जे तो प्रीमियर देख रहे हो तो कोई गल नहीं,
जे तुसी वीडियो बाद दे विच देख रहे हो ना, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो इनू सोल्व करन, फिर मैं जरूर लिख के दस्यो कि सर 2/3 उत्थे कमेंट दे विच की पाना तुसी कि 2/3 या इंग्लिश दे विच लिख चैट करदे ने ना आपां 2/3 दा, ठीक है, आंसर राइट या रोंग। जो मैं आंसर दसिया उस बाद लिखना लिखना है, फिर मैं पता लगू किन्ने बच्चों आंदा सी ते किन्ने नू नहीं आंदा सी। हुण देखो इनू तोड़ के किवें आपां आंसर कढ़ना है। हुण तुहानू कुछ नहीं समझ आई जांदा होना कि लिखिया की है। पहली गल आपां ये चकनी है कि अपने कोल की दिता होया है 2/3, ठीक है, 2/3 दिता होया दी तुल पिन लिखो। तुल मान के चलो इतने समान की गल कर रहे हैं, ठीक है, समान समान मतलब बराबर, लो बराबर भी लिखता 2/3 बराबर, जिसका अंश की है आप पता की करना है, भिन्न पता करनी है, मतलब कोई चीज बटे दे विच होगी हो उनका की दिता होया, अंश दिता होया, तो पता की करना सीधा सीधा हर। कुछ याद आ रहा है इस स्टेटमेंट देख के? ये मैं कल ही कराए सी कि इन सोल्व किवें करना है। देखो क्वेश्चन एग्जामिनर ने सिर्फ उलझा के दिता होया सी, आपां विचों स्टेटमेंट कढ ली, ते जेड़े बच्चों ने कल वीडियो देखी सी उन्होंने ये चंगी तरह आंदा होना कि इन्दे विच केड़े साइन यूज होने हैं, मल्टीप्लाई ते डिवाइड, टू ओनली, होर कुछ भी नहीं यूज होना इन्दे विच। ते पहला सब तो की यूज होना है, पहला सब तो यूज होना है डिवाइड, किथे यूज होना है, आमने सामने जेड़े दिते हुए 2 ते 16 दे विच, 16 नू 2 नाल करांगे, 8 दुनी 16, हुण जेड़ा 2 ते 16 दा अपना काम एक करी खत्म हो चुका, अपने कोल आंसर सीधा सीधा की आ गया 8। तो ऑप्शन दे विच याद रखियो 8 भी दिता होगा बच्चों नू कंफ्यूज करने वास्ते, पर अपना 8 8 है जेड़ा राइट नहीं हैगा। हुण की करना है 2/3, ठीक है, हुण इत्थों जेड़ा सारा शुरू हुंदा कंसेप्ट। हुण एक ही चीज देखनी है, 8 आंसर आ गया, ठीक है, हुण ये चीज देखो 2 नू 8 नाल गुना या डिवाइड, गुना या डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड या गुणा या तकसीम करन दे नाल, ठीक है, 16 प्राप्त होवे। तुसी 8 नू 2 नाल डिवाइड करोगे 16 आ जाऊगा, नहीं, की करोगे, गुणा, 16 आ गया, मतलब अपने को आ वाला आंसर बन चुका है। तो नीचे की है, नीचे भी जे ऊपर गुना है तो नीचे भी गुना, ऊपर 8 है तो नीचे भी, तो अपना राइट ऑप्शन किया गया 24, राइट ऑप्शन किया गया अपना 24, सही ऑप्शन किया गया 16/24। तुल पिन, हुण इत्थे तुल पिन की हुंदा है, तुल पिन भी दस दिंदा थोनू मैं की हुंदा, नाल दी नाल कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं, फिर ना कहो कि सर दस्या नहीं, मैं तुल पिन बारे 2-3 चीजें दस दूंगा। हुण देखो एक आ गई अपने कोल 2/3 बराबर किंदे आ गई 16/24 दे, ठीक है। हुण दो तरह नाल इहनू याद रख सकदे हो, पर मैं जमा सौखा तरीका दसूंगा, इहनू कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 24 2 48 तो 16 3 48, तुल मतलब बराबर, तो बराबर आंसर आ गए ना, बस होर कोई मंत्र नहीं पढ़ने इहदे विच, जदों थोनू लिखिया आ जाए। हुण क्वेश्चन एक होर बन सकता है, इन्ना पता लग गया ना, लो एक होर करते हैं आपां इसे नाल दा क्वेश्चन, थोनू सारियां चीजां क्लीयर करके तोरनी है, नहीं कि बस व्यूज लई जन्ने बैठे सर, ये काम नहीं करने। हुण देखो हुण थोनू उत्थे पेपर दे विच आऊगा 2/5 दी तुल पिन पता करो, तुल पिन दसो, ठीक है, तुल पिन दसो, ध्यान नाल देख लियो कि इन्हें विच हुण होन की वाला है। सवाल दे विच ऑप्शन नंबर ए, वैसे तो मैं पिछले समझाता, जे नहीं पता लग्या तो फिर हुण जमा ही क्लीयर करा दूंगा कि इहनू सोल्व किवें करना है, वैसे तो एदू सौखा कोई दस ही नहीं सकता। 2/5 दी तुल पिन दसो, ठीक है, हुण ऑप्शन की आऊगी अपने कोल, ऑप्शन आ जाऊगी एक 4/6, दूजी ऑप्शन आ जाऊगी 9/4, तीजी ऑप्शन आप लिख दें, मैं ऑप्शन भी बनानी पैनिया कि तुम थोड़ा जहा लगे कि हाँ एग्जाम लेवल दे एमसीक्यू है, ठीक है, मान के चलो। हम 10/25, एक और ऑप्शन बना लें, मैनू 25/30, लो हुण आपां की पता करना है, 2/5 आपां नूं दित्ता है, ठीक है, इन्हें बराबर की आप भिन्न पता करनी है इन्हों चारों विचों, किवें पता लगेगा, सीधा सीधा आप देखना है, सारे नाल क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लियो, 2/5 नू 4/6 ना करके देखो, 5 चौका 20, 6 दूनी 12, ये गलत हो गया। हम
नेक्स्ट ना करके देखने हैं। 2/5, 9/4, 4 × 2 = 8 ते 45, ये भी गलत हो गया। और नेक्स्ट ना करके देखते हैं। 2/5 ते 10/25, ठीक है, 25 × 50 ते 10 × 5 = 50, ये अपने को सही हो गया। इनू कहते हैं तुल पिन, हूँ पता लग गया ना इनू की कहें तुल पिन है। आई थिंक क्लियर हो रही हैं चीज़ा। आई नो कि बहुत सारिया चीज़ा नवी नवी भी है, पर इन्हें थोड़ा जहा समझना पैना थोनों। जे थोनों कुछ भी नहीं पता लगता ना तो प्लीज कमेंट करके पूछ लियो कि सर नहीं पता लग गया, या ग्रुप के आ जाओ, ग्रुप के दस दूंगा। हूँ इसे रिलेटेड सिर्फ लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उस तो बाद अगे देखा जो कोई रहा हो फ्रैक्शन का, नहीं तो नवा टॉपिक शुरू कर लेंगे। हूँ देखो हूँ आप करना, हूँ एक क्वेश्चन आ गया इसे रिलेटेड ही। 3/6 दिया 3 तुल पिन्ना दसो। हम ध्यान ना देखी चलियो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, हम मैं ऑप्शन बना दो फिर थोड़ा दस दें, बस लास्ट क्वेश्चन ही है, फिर मैं थोड़ा होमवर्क वाली पीडीएफ है जी सेंड कर दूंगा ग्रुप के। मैंने कमेंट करके जरूर दस के जायो कि कुछ समझ आ रहा है कि बस उपरों लंघ रहा सारा कुछ। हूँ आप ऑप्शन दें, आप पता करना है तुल पिन्ना पता करनी है 3 कि 3/6 दियाँ। हूँ इतने ध्यान देना थोड़ा जा जो योजा क्वेश्चन आ जाए। 6/ आई थिंक इन हम लिख दें आप 12, 9/18 उस तो बाद लिख दें 12/24, एक लिख दें 12/24, 16/18 ते 15/18। हम नेक्स्ट की है ऑप्शन नंबर सी 3/6, 3/6 मैनू हुने आंसर करना है सारे ने इहदा, हुने 10-15 सैकेंड है थोड़े कोले। नेक्स्ट आप लिख दें 4/15, 5/16, 6/17। मैनू हुने दसो इहदा कमेंट करके कि जे पेपर दे विच पुछिया जावे, देखो इहो जे पेपर च क्वेश्चन आंदे हुंदे है उही फ्रैक्शन ही चली जाती है जमा सौखा, बस उ जे कंसैप्ट नहीं क्लीयर तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो हम तुम मैं जल्दी जल्दी आंसर करो कि कहड़े बच्चों कि समय लगी है, तो किस तरह आप जो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन। हम तुम उ फंडा लाई जाते होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, उ लाई जाने ना, पर इतने मैं पूछे 3 अगलिया 3 जिड़िया अगे 3 आन नैक्सट, ठीक है। हूँ वह किमें पता करें, जे तो होंगे सिंपल फिर तो आप उवें कर देंगे कि इनके सामने जी भी होंगी उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपना सही आंसर आ जाए। पर आप इतने पूछे अगलिया 3, अगलिया 3 कि हो सकियां। हम देखो अगलिया 3 का मतलब 2, 3, 4 चक लो, ठीक है, बस 2, 3, 4 चक लिया करो। एक का तो हम सेम ही होजूगी, एक की होजूगी सेम होजूगी, एक तो मान के चलो यही है, एक की अपने को 3/6 मुड़ के 2 चक लो। जे इनू आप 3/6 इनू 2 नाल गुना की, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। नैक्सट हम 3 ना की, 3 × 9 = 6, 6 × 3 = 18। उदू बाद 4 ना की, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 24। तो अपना राइट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ये हम तुम कहो सर रीजनिंग चली जाने विचाले, ये चीजा यही नाल नाल चलन गिया, तो इन्हों थोड़ा जहा दिमाग च रखना। यह अपना फ्रैक्शन वाला सारा कंसैप्ट। आई नो कि हुण इहदे विच कुछ भी नहीं रह गया जिहड़ा तुसीं ज्यादा दिमाग लाने वाली गल है, फ्रैक्शन तुहानूं सारी क्लीयर करती हैं, जिहड़ियां निक्कियां निक्कियां चीज़ां अपने कोल बनदियां सी। एक दा होर मैं तुहानूं होमवर्क दे विच दऊंगा, जे ना पता लगे तां मैनूं पुछ लिओ। मन के चलो आ सवाल होगा आ वाला, इहनूं तुसीं सोल्व किवें करना, ठीक है। मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दसी सी ना कल, एलसीएम वाले तुहानूं आंदे ही होणगे। जे फिर भी नहीं आते तो मैं कमेंट करके पूछ लियो कि सर नहीं आते, फिर मैं नैक्सट वाली वीडियो समझा दूंगा। हम सफिशेंट है अज लिए, प्रैक्टिस करो, सम अपने आप बनायो, जे तुम किसी नाल स्टडी करते हो उन्होंने स्टडी करके सम जरूर बनायो कि तू मैं बना के दे मैं तेन बना के दिना, तो मैं PDF भी सेंड कर दूंगा, फ्रैक्शन वाले की PDF सेंड कर दूंगा, प्रोपर प्रैक्टिस करके मैं सेंड करना है। होमवर्क बहुत बच्चे जो नहीं करते, आलस ना मारा करो, थोड़ा जहा पढ़ लो, टाइम दो अपने आप में। तो मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।